नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मौजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। सीएम यादव ने इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को दुरवस्था में डाला है। देशवासियों को आशा की किरण पीएम मोदी ने दिखाई दी है और बीजेपी इस बार 400 सीटें जीतेगी। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी बलिदान से बनी है। बीजेपी ने 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इच्छा शक्ति नहीं, कांग्रेस कभी किसानों का भला करने की बात नहीं करती। किसानों की सम्मान निधि अगर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है तो हमारे यहाँ पूर्ववर्ती सभी योजनाओं को लागू रखते हुए लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर सभी योजनाओं को हमारी सरकार एक बार चालू रख रही है। इसी कारण से 5 तारीख को हमने अपनी लाडली बहनों की जो राशि देने की बात कही थी वो हमने लागू की। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये लाडली लक्ष्मी योजना आखिरी है, तुम कहते रहिए सरकार बार बार बनती रहेगी और हम जनता के कल्याण के काम इसी प्रकार से करते रहेंगे। एक नहीं दो नहीं ऐसे लगातार कई कामों के उदाहरण अब आपके सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, खुले में मांस मदिरा कैसे बिक सकती, उसका बंधन होना ही चाहिए। ये क्यों नहीं बंधन कर सकते, हमने उस पर निर्णय किया कि नहीं ये नहीं चलेगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो जो निर्णय रहे हमने सबने देखा है कि सरकार चलाने में सरकार की संवेदनशीलता होना चाहिए। सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो 45वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का है, इन 5 वर्षों के अंदर स्वर्ण जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का विकसित भारत का संकल्प, तो ये अमृत काल की जो शुरुआत हुई है तो स्वर्ण जयंती का काल है और एक अमृत काल है। तो आज सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोगों को आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है जब उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे बहनों भाइयों के जिस भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और संघर्ष के साथ जनसंघ बना और उसके बाद अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी।